नमस्कार दोस्तों, एनजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईबॉल ब्रेस X1 4G टैबलेट का रिव्यू। इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है 16,999 रुपये में। दोस्तों आईबॉल स्लाइड टैबलेट PC, इसमें आपको डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। जो कलर है इसका कॉपर गोल्ड दिया गया है, नाइस लुकिंग कलर है। एसेसरीज की बात करें तो इसमें आपको क्लीन क्लॉथ मिल जाएगा टैबलेट क्लीन करने के लिए, और एक कैरी पाउच भी दिया गया है टैबलेट कैरी करने के लिए, यार इसमें आप टैबलेट रख भी सकते हैं। यूजर गाइड दी गई है, इसमें आपको टैबलेट के इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्पेसिफिकेशंस के अलावा इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे। एक DC चार्जिंग केबल है जो कि चार्जर के साथ आती है। ये फास्ट चार्जर तो सपोर्ट नहीं करता, बट DC चार्जिंग केबल के थ्रू इसको आप कम समय में चार्ज कर सकते हैं। चार्जर का जो आउटपुट है 2 एम्पियर का आउटपुट है। USB डेटा केबल और एक ईयरफोन हेडसेट भी आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको आईबॉल ने एक लोगो भी दे रखा है, आईबॉल साइट का लोगो। वारंटी कार्ड भी आपको इसमें मिल जाएगा और एक फीडबैक फॉर्म दे रखा है आईबॉल ने, जो कि आप अपना फीडबैक आईबॉल को लिख के भेज सकते हैं। माइक्रो USB स्लॉट, 3.5 mm जैक, DC चार्जिंग केबल, पावर बटन, वॉल्यूम बटन। यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड। 8MP रियर कैमरा है आउट ऑफ फोकस के साथ, और इसमें आपको 4G सिम स्लॉट मिल जाएगा, साथ ही माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा, जिसको आप 64 GB तक इसमें माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इंच की IPS HD स्क्रीन के साथ मिल जाता है। रिजोल्यूशन जो है 1280x800 है। 149 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। फिर टच रिस्पॉन्स है, एवरेज है, ठीक ठाक है। कुछ ऐप्स आपको प्रीलोडेड मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। सेटिंग्स में जाते हैं तो इसमें आपको स्क्रीन कास्टिंग भी मिल जाएगा, वाईफाई, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑटो रोटेट, फ्लैश लाइट, एयरप्ले नो मोड, सेटिंग्स में देख लेते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, डेटा यूसेज, मोर सेटिंग्स, सब वही है जो सारे टैबलेट्स में होता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो इजी है काफ़ी। जो एंड्रॉयड वर्जन दे रखा है इन्होंने 6.0 मार्शमेलो। यहाँ पे आपको 1.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको मेमोरी यहाँ पर 16 GB की दी गई है, बट यूजर अवेलेबल मेमोरी है वो 10.58 GB है। 2 GB की रैम है, 16 GB इंटेल मेमोरी दी गई है।
एंड्रॉयड जो वर्जन है 6.0 मार्शमेलो दिया गया है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, कैमरा क्वालिटी एवरेज है। ईजिली कैप्चर कर सकते हैं फोटोज एंड वीडियोज। डिफरेंट डिफरेंट मोड भी इसमें दिए गए हैं, वी शॉट दिया गया है, HDR दिया गया है, पनोरमा भी आपको इसमें मिल जाएगा। पिक्चर्स कुछ खास नहीं खींच पाया, एवरेज। कैमरा सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको वॉल्यूम कीज, GPS लोकेशन, फेस ब्यूटी, एक्सपोजर, सीन मोड, वॉइस कैप्चर भी दिया गया है, फेस डिटेक्शन भी दिया गया है, स्माइल शॉट भी दिया गया है, सेल्फी टाइमर ऑप्शन भी मिल जाएगा, कंटिन्यूस शॉट भी आपको इसमें मिल जाएगा। वीडियोज़ की बात करें तो नॉइज रिडक्शन ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। गेमिंग की बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल गेम्स हैं वो इसमें आपको इजीली प्ले होते हुए दिख जाएंगे। बट जो हैवी गेम्स हैं, ग्राफिकल गेम्स हैं, हैवी ग्राफिक गेम्स हैं, वो आपको इसमें स्मूथली प्ले होते हुए नहीं दिखेंगे। तो हैवी गेमिंग्स में आपको इसमें लैगिंग देखने को मिलेगी। हैवी गेमिंग के लिए मैं आपको ये टैबलेट रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी लैगिंग देखने को मिली है। हैवी गेम्स में आपको अच्छे से नहीं चला पाएंगे। दोस्तों आईबॉल का जो टैबलेट है स्क्रीन साइज़ के मामले में भले ही बेहतर हो, बट परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में यहाँ पर एवरेज है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।